अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, दो दिन की छुट्टी के बाद मैं आ गई हूँ एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। मुझे पता है इस महीने में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं, आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं डेली व्लॉग का, लेकिन फिर भी छुट्टी हो जाती है। तो जाने जाने में छुट्टी हो ही जाती है, कभी कभी दिल करता है छुट्टी करने को। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ता ये बन रहा है मेरी मदर इन लॉ के लिए। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे साथ मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ रह रही हैं मेरे साथ और मेरे दो देवर रह रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि डेली एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा आता है ना कि कमेंट्स में मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती इस बात का। तो इसलिए मैंने कहा आज व्लॉग के स्टार्ट में ही ये कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर कर दूँगी मैं, कि मेरे घर में कौन कौन रहता है। सो अभी मैं मार्केट गई थी कीमा लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने खाने में बनाना है आलू मटर कीमा। और जब मैंने कीमा बनाना होता है या कीमे से रिलेटेड कोई भी डिश बनानी है या कोई मीट की डिश बनानी है, तो उस दिन फ्रेश का फ्रेश ही मैं जाके गोश्त लेके आती हूँ और फिर उसको उसी दिन बना लेती हूँ। मैं ला के फ्रीज़ या स्टोर नहीं करती हूँ। तो बस साथ में फिर थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ी घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी मैं ले आई थी। तो जी, मेरी मदर लो लास्ट वीक ही आई हैं वापस पाकिस्तान से। तो वो आते वक्त ये जो होती हैं खताई जिसको बोलते हैं वो लेके आई हैं, साथ में दो तीन और भी खाने की चीज़ें लेके आई हैं। तो मैं इनको भी रखने लगी हूँ जी किसी बॉक्स के अंदर, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पे ओमान में अभी भी थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी है। तो इनको इनकी किसी बॉक्स में रख दूँगी एयरटाइट में, ताकि ये ख़राब ना हो। और ये इतने मज़े की है ना, आई कॉन्ट टेल यू गाइस। सो इनको बहुत ही संभाल संभाल के खाना है, ताकि हम इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इन्जॉय कर सकें। और ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, कि अगर आप हाफ़ भी खाएँ ना तो आपका मीठे की वो जो एक तलब होती है ना वो पूरी हो जाती है। To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousand. सो मेरा आज का नाश्ता है जी ये खताई और साथ में ग्रीन टी का एक कप। और मुझे कुछ ऐसे मीठे हैं जिनके साथ ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है, जैसे कि हलवा हो गया, ऐसी खताई हो गई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह के जो मीठे होते हैं ना उनके साथ मुझे ग्रीन टी का जो एक कॉम्बो बनता है ना वो इतना अच्छा लगता है ना, आई कॉन्ट टेल यू गाइस। स्पेशली खजूर के साथ, तो मैं हमेशा ऐसे ही मीठों के साथ हमेशा ग्रीन टी पीती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता था आज का। उसके बाद जी मैं किचन में आई और मैंने आके फटाफट बनाना शुरू कर दिया जी आज का लंच, क्योंकि अब ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं। तो डेली मेरे खाने को भी देखा जाता था कि अब आप इतना ज़्यादा खाना बनाती हैं, आपके घर में कौन आ गया कौन आ गया। तो इसलिए मैंने आज आप सबको क्लियर कर दिया कि जी माशाल्लाह मेरे घर में और भी फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, न्यू फैमिली मेम्बर्स मेरी फैमिली में ऐड हो गए हैं। और ये अच्छी बात है कि अब हम सब साथ रहेंगे एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट।
जी, ये न्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी, एंड आई नो आप लोग भी खुश होंगे कि अब मेरे साथ और भी लोग रहते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। और जी, ये मेरा आज का लंच जो है वो रेडी हो चुका है, और साथ में इसके चपातियाँ बनेंगी। बस एंड पे मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करना है और खाना रेडी हो जाएगा एकदम। सैलेड मैं बना चुकी हूँ, रायता मैं बना चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अभी एंड पे मैंने इसमें गर्म मसाला मिक्स किया है, अच्छे से इसको मैं भून लूँगी और कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो गरम मसाला है ना वो इस पूरे सालन में ना अच्छे से रच बस जाए। तो बस इसको कवर करते हैं और कवर करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर और पकने के लिए। सो जी, ये मैंने थोड़े से चावल बनाए क्योंकि साथ में थोड़ी सी फ़िश भी फ्राई हो रही है, और वो खाने वाले हैं जी, हस्बैंड खाने वाले हैं मेरे, और उनके लिए स्पेशली फिर राइस बनाया मैंने थोड़े से बिल्कुल के, बस वन टाइम के लिए। तो रोटियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, चावल भी मेरे पक चुके हैं, बस इनको मैंने अभी दम पे रखना है। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप कितनी देर का दम देती हैं, तो जी मैं देती हूँ अराउंड 15 मिनट्स का जो होता है वो दम मैं देती हूँ चावलों को। और आप पानी बस हिसाब से डालेंगे तो यकीन करें आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बस मेजरमेंट आप सही रखें। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा घर में कचरा हो जाता ना कि आपको समझ नहीं आती। तो मैंने कहा हाल ही में ब्रूम कर लेती हूँ, ब्रूम करने से जितनी भी डस्ट हो, जितने भी कचरा वगैरह होगा वो इकट्ठा हो जाएगा और घर साफ़ लगना शुरू हो जाएगा। तो बस मैं ब्रूम कर रही हूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, बकाया सब कुछ हुआ हुआ है। और इसके बाद मैं अब करने लगी हूँ जी बखूर, और काफ़ी लोग इसका भी पूछते हैं, तो मेरा एक व्लॉग है जिसमें मैंने पूरी डिटेल में हर एक चीज़ बताई है कि बखूर को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये कौन सा बर्तन है, एवरीथिंग। तो वो भी मैं ऊपर आई कार्ड में दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो व्लॉग देखें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो जी, घर के सारे कामों से फ्री होकर अब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आई हूँ जी सैलून, और मैंने कहा आज अपना फेशियल करवाते हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते हैं, थोड़ा सा मी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और यकीन करें काफ़ी दिनों के बाद मैं फेशियल लेने वाली हूँ, घर पे ही ले रही थी जो खुद से ले रही थी, हॉलीवुड का जो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि आपका भी कोई अच्छे से फेस मसाज करे, हेड मसाज करे,
और मैनीक्योर पेडीक्योर तो यकीन करें बाहर से ही करवा के सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है, घर पे आप जितनी भी कोशिश कर लें आपसे होता ही नहीं है। तो जी मैं आई हूँ सलोन, और ये नया सलोन है जिसको मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि जिस सलोन पे मैं जाती हूँ वो बंद है आज। तो मैंने कहा नए सलोन को ट्राई करते हैं, यहाँ से सर्विसेज लेते हैं, देखते हैं कैसे सर्विसेज हैं। और यहाँ पे जी आज वीकेंड है तो रश बहुत ज़्यादा है, और मैं बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था जब मैं घर से निकल रही थी कि आज थर्सडे है। यूजुअली फ्राइडे सैटरडे ऑफ होते हैं, तो थर्सडेज पे सलोन्स में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो अभी मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ, और यकीन करें अकेले बैठ कर टाइम पास करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, जब आपके साथ कोई भी नहीं होता बातें करने वाला। मैंने तकरीबन 1 घंटे के करीब इंतज़ार किया, और यकीन करें ये 1 घंटा गुजर ही नहीं रहा था, इतना मुश्किल हो जाता है अकेले बैठ के टाइम डील करना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जो कि उमानी थी, उसको नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, और मुझे उमानी नहीं आती थी। और यकीन करें उसके साथ जो मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया ना, इतना मज़ा आया, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी, मैं उसकी नहीं समझ पा रही थी, वो मुझसे बातें करना चाह रही थी, मैं उसको जवाब नहीं दे पा रही थी, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा सीन था। तो चलें, ये जो सलोन है यहाँ पर जी, ये उमानी ड्रेसेस भी वो सेल करती हैं। तो ये उमानी ड्रेसेस जो पार्टी वेयर होते हैं ना, कुछ इस तरह के होते हैं जो कि यहाँ पर शादियों पर या किसी भी उनका जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो इस तरह के कुछ वो ड्रेसिंग करती हैं, इस तरह के गाउन्स पहनती हैं। और ये जो स्पेशली जो बेल्ट है ना, ये हर इनके ड्रेस के साथ लाजमी बनती है, और इतनी खूबसूरत होती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो जी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब मेरी फाइनली टर्न आ गई है अपनी सर्विसेज अवेल करने की। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो मैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे सर्विसेज लेने वाले हैं। तो मैं अपनी सर्विसेज लेती हूँ, सर्विसेज लेने के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू रियलिटी, बैक टू हाउसवाइफ ड्यूटीज़। तो जी इतना अच्छा फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर लेने के बाद अगेन मैं चूल्हे के आगे खड़ी हूँ और बना रही हूँ जी वाइट सॉस पास्ता। दिस इज़ माय ओन रेसिपी, जिसकी मैं कंप्लीट जो आपको रेसिपी है ना अपने कुकिंग चैनल पे दे दूँगी, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करिएगा और इसकी कंप्लीट रेसिपी देख लीजिएगा। तो मैं घर आई तो घर वालों ने जी फरमाइश की कि उनको वाइट सॉस पास्ता खाना है, और आप लोगों की भी बहुत फरमाइशें आती थी कि पास्ता की रेसिपी बताएं। तो फाइनली अब घर में ऐसे लोग आ गए हैं जो मेरे साथ मिलकर पास्ता खाएंगे, और अब आप भी डिफरेंट डिफरेंट पास्ता की रेसिपीज ऑन एंड ऑफ देखते रहा करेंगे। तो ये पास्ता बहुत जल्दी बन जाता है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो इसीलिए मैं इसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट पे जी हम देसी हैं, मिर्चें खाए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते ना, तो इस पास्ता के ऊपर भी हल्का सा मैं हॉट सॉस का एक स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा टच आ जाए। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो जी काफ़ी लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उनकी बेचैनी दूर हो गई होगी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।